छोड़ने तो नहीं चाहिए। $20 हाँ, $20, क्योंकि बाकी जितने भी कंट्रीज हैं वो सब भी टूरिज्म को इसी तरह वो करती हैं, चाहे आपके रिलीजन के लिए है या वैसे भी है। तो और वैसे भी हम कौन सा बहुत अमीर मुल्क है, गरीब सा था। वैसे भी हमारे क्रिकेटर्स ने तो वहाँ जब क्रिकेट खेलने गए थे $25 पे तो बिरयानियाँ खाई हैं, सेल्फियाँ ली हैं लोगों के साथ। तो हम $20 मुझे नहीं लगता कि हम छोड़ सकते हैं। हाँ नहीं, छोड़ने भी नहीं चाहिए, छोड़ने भी नहीं चाहिए। इसलिए कि हम कौन सा बहुत रिच कंट्री हैं वैसे भी। और दूसरी बात ये है कि वैसे सब कंट्रीज टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा है, $20 तो कुछ भी नहीं है। अगर हमने कह देना है कि हमने तो करतारपुर पे इतना पैसा लगाया है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए हैं, पास रोड बनाने पे लगा दिए हैं, तो अगर हम $20 भी छोड़ देंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे, IMF के पास चले जाएंगे, ये हम कह देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं छोड़ती है। तो $20 कैसे छोड़ दे। अच्छा ये बताएगा कि इंडिया अपनी सिख कम्युनिटी को देखे फैसिलिटेट करने के लिए, उनके सुकून के लिए कितना सोच रहा है, कि वो कह रहे हैं कि इजीली जितने सिख आना चाहते हैं अपनी होली प्लेस में वो आ पाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ ये तो है कि जो हमारे कंट्री के अलावा बाकी कंट्रीज़ हैं वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी एफर्ट्स होती हैं हर मामले में, तो ये उनकी तरफ से तो बहुत अच्छा गेस्चर है अगर हम उनकी तरफ से बात करें तो। वो अपनी सिख कम्युनिटी को आपको लगता है कि फैसिलिटेट करते हैं, क्या बिहेवियर उनका सिख कम्युनिटी के साथ? नहीं ओवरऑल तो वो जाहिर है, वो तो हमने भी सुना कि ये जो अमेरिका में हुआ फिर कैनेडा में हुआ वो सिख का जो था उन्होंने अटेम्प्ट किया, लेकिन ये है कि अब पाकिस्तान के मामले में तो फिर वो ऐसे ही है। कैसे? मतलब आप पाकिस्तान के लिए तो वो यही कहेंगे ना कि अच्छा जी आप हमारे कंट्री के लोगों को आप जो है वो ये इससे फ्री कर दें। इसलिए नहीं, मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि आप कह रहे हो अमेरिका में कैनेडा में क्या हुआ था, वो जो सिख को मारा गया था, सिख को मारा गया था, प्रूफ तो नहीं है कि इंडिया ने मारा है? नहीं अब तो प्रूफ हो गया, ये रिसेंटली 2 दिन प्रूफ नहीं मिला। नहीं तो उन्होंने कैनेडा ने तो नहीं दिया ना ट्रूडो, उसने कहा है कि इंडिया को कहा आप हमारे साथ मिलो, हम प्रूफ ढूंढना चाहते हैं। लेकिन ये सबको पता तो है कि किया तो इंडिया ने ही है ना, तो ये है कि वहाँ पे अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं जो इंडियंस नहीं हैं उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं है, ये तो हमने वैसे भी सिख क्या मुस्लिम्स बाकी भी जितने भी हैं। अच्छा मुझे ये बात बताएगा, एक तरफ वो सिख फैसिलिटी को जो है आराम देने के लिए उनकी उनको फैसिलिटेट करने के लिए इतनी बात करें, फिर वो सिख कैसे मरवा सकते हैं? इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं? हाँ। अच्छा यानी वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और उनको अपने सिटीजन से कोई लेना देना नहीं, आप ये कह रहे हो? नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ब्रॉडर टर्म में जब आप दूसरे कंट्रीज के साथ आपका रिलेशन होता है तो फिर आप उसको इसी बेस पे करते हैं ना, कुछ आपके अपने फायदे होते हैं कुछ दूसरों के देखते हैं। अच्छा तो आप खालिस्तान के हक में हो? बिल्कुल, खालिस्तान में हमारा पूरा पंजाब जाएगा, क्योंकि ये पंजाब भी खालिस्तान का हिस्सा है, उनका नक्शा देखा है? हमारे पास तो है भी सिर्फ पंजाब ही पंजाब पूरे पाकिस्तान में। अच्छा तो अच्छी बात है, खैर पाकिस्तान में पहले कौन सा कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा तो ये चला जाना चाहिए खालिस्तान के साथ, अगर जो है वो एक आजाद अच्छा बनता है तो चला जाए। अच्छा ये बताएगा अगर हम $20 छोड़ देते हैं, ठीक है, जिस तरह से जयशंकर पाकिस्तान के अंदर आए, उनके फॉरेन मिनिस्टर रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर आए, हमने उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया लेकिन स्टिल वो आए, अच्छा बिहेवियर रखा, हम लोगों ने उनकी स्पीच को भी बीच में ब्लॉक कर दिया और उनकी स्पीच की लैंग्वेज को भी बदल के दिखाया, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा जो है वो नुक्ता नज़र दे कर गए और अच्छे तरीके से रहे, वापस भी बहुत अच्छे तरीके से गए, जो कि एक बहुत पॉजिटिव मैसेज था। उस तरह से अगर हम $20 छोड़ देते हैं तो ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को बेटर नहीं बना सकता? हाँ रिलेशन को बेटर कर सकता है ऑब्वियसली, जब दोनों तरफ से आपको अच्छे गेस्टर्स चाहिए तो अगर उसके लिए हो तो फिर तो कर सकता है। और हम तो बड़े खालिस्तान के वो है ना, मतलब हम आईती हैं सिख कम्युनिटी के बड़े हम आईती हैं, तो छोड़ दे $20 फिर? छोड़ने तो नहीं चाहिए लेकिन अगर बायलेटरल रिलेशंस के लिए कहते हैं तो फिर कर सकते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।